आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम इस कैंप के अंदर माइंडसेट कैसे क्रिएट, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे माइंडसेट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे चैंपियन का माइंडसेट बना कैसे सकते हैं, हम एक चैंपियन का माइंडसेट बना कैसे सकते हैं, राइट, वेरी गुड। सर, एक चैंपियन जो होता है वो किस तरह के सोच और विचार रखता है, वैसे हम कैसे सोच विचार रखते हैं, कैसे सोच विचार रखते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। Everybody would like to become a champion. Is it or not? Yes or no? Yes, yes sir. कोई है जो champion नहीं बनना चाहता है? No, sir. अरे है कुछ? लग रहा है मुझे है कोई? No, sir. So confident आप लोग champion बनेंगे? Yes, sir. Oh, great. So अभी हम लोग उसमें एक fifth class का बच्चा है, उसने इसके बारे में लिखा है, and you would surprise fifth class का बच्चे ने TEDx पे जाके स्पीच दी है, राइट? अभी सिक्स क्लास में कौन कौन है? सिक्स से बड़ा मतलब फिफ्थ क्लास से ऊपर कौन कौन है? सो मेनी ऑफ यू, राइट? राइट, आप देखो, प्लीज वॉच द वीडियो, आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द माइंडसेट। हमारे दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, और एक माइंडसेट होता है ग्रोथ, फिक्स्ड माइंडसेट, एक जाल की तरह हमारे चारों तरफ होता है, हम उससे बाहर निकल नहीं पाते, और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो ग्रोथ माइंडसेट हमें धीरे धीरे हर बार कुछ नया सोचता है, नया सोचने पे मजबूर करता है, और हम बहुत कुछ कर पाते हैं। सो ये अभी वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू, प्लीज अंडरस्टैंड द वीडियो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बच्चे ने अपने 10 साल बहुत सारे अपने आप में स्ट्रगल किया, एंड इसने बहुत छोटेपन से अपने आप को एलिवेट किया। A mindset is a word describing how we think. There are two types of mindsets. One, a growth mindset, and two, a fixed mindset. A growth mindset is when somebody believes they can learn to be good and they can learn to get better. They are not afraid of challenges. They continue when things get hard. They know that they have put effort into learn and they learn from criticism. They are also inspired by people who do well. Fixed mindset. A fixed mindset is the opposite of a growth. These people either think they're born good or born not so good. They cannot learn. They are afraid of challenges. They give up and get defensive easily. They feel criticized when given feedback and are threatened by people who do well. The question, important question, right? How to create the mindset of a champion? I'll see. Yes, you tell. Sir, apne upar koi limitations na rakhte. Limitations? Sir, आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे। संस्कृति, what change would you do? If you really want to improve, क्या कर सकती हो? एक बार ये प्रॉमिस कर सकती हो अपने आप से कि मुझे अपने पढ़ाई में, अपने स्कूल में, अपने सिस्टम में बेस्ट आके दिखाना है। कैन यू डू दिस? कैन यू डू दैट प्रॉमिस? वुड यू चेंज योर माइंड सेट फ्रॉम फिक्स टू चेंज माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट? कर सकती हो? क्या करोगी उसके लिए? ओके, आपने क्या समझ में आया इससे आपको? बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट करना। इफ यू वांट टू डू समथिंग देन वी कैन, बट इट इज अबाउट अस, वी डू इट और नॉट। Exactly. Yes, you tell, Kapish. Sir, we should get in change in ourselves regularly with the good things, and we should never lose hope about the like good things, and we should again and again trying up with that good things. Then only we can achieve growth in our lives. Very good. Yes, Aditya. We should ignore all the social comments which are social comments, and अपनी वीकनेस, हम सबको मालूम है हमारी वीकनेस क्या है कि नहीं? हर एक को मालूम है अपनी वीकनेस, मालूम होती है। हम लोग जब अपने आप से ना अकेले में बैठ के शीशे में बात करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी वीकनेस कहां पर है, हमें कैसे इसको इम्प्रूव करना है। एंड नोबडी इज गोइंग टू कम एंड इम्प्रूव योर वीकनेस, नॉर समबडी एल्स, नीदर योर फ्रेंड। ओके, यस ट्विशा, क्या कहना चाहती हूँ बेटा? बहुत
बहुत अच्छी गुड हैबिट में लाना पड़ता है। यस कपीश, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। यस यू टेल, हमें जो हार्ड नहीं मानना चाहिए कि अगर हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हो क्यों नहीं रहा है, और करना चाहिए हमें उस चीज को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, हमें फिर से ग्रोथ पे आना चाहिए, तभी हम एक चैंपियन बन पाएंगे। एंड ऑन दैट एंड वी शुड वर्क टुवर्ड द गोल टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट देन द अदर 90% पॉपुलेशन। वंडरफुल। देखो आज मैं आपसे इतना मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि हम लोग इस बारी जो हमारे अभी जो टेस्ट होने जा रहे हैं, दो महीने में, एक महीने में, जो डेढ़ महीने में दिवाली के बाद से होंगे, राइट, आप लोगों को कोई कहना नहीं चाहिए कि अभी पढ़ाई करो, अभी ये करो। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एवरी टाइम पेरेंट्स आर नॉट अलाउड विद यू, पेरेंट्स हमेशा साथ में नहीं होंगे, आप खुद आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपकी स्किल, तो उसमें आपको इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप एंटरटेनमेंट मत करो, मस्ती मत करो, आई एम सेइंग इन सब के साथ में अपने आप को नीड टू डेवलप विद अ ग्रोथ माइंडसेट, विद अ ग्रोथ माइंडसेट। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का फीडबैक आया कि अभी इनके मार्क्स कम हो गए हैं, अभी इनका ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो गया है, कहो तो पढ़ते नहीं तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये सब क्या है? So it is the significance, ये साइन है कि आपका माइंडसेट इज ए फिक्स्ड माइंडसेट, राइट।